पिछले 10 वर्षों से जिस कैनाल को बंद कर दिया गया था उस कैनाल में अचानक वन प्रकल्प का पानी छोड़े जाने के कारण वो कैनाल का पानी किसानों की खेती में घुसने के कारण खेती में बुआई की गई चने की फसल का बड़ा नुकसान हो गया। यह देखते हुए किसानों को नुकसान भरपाई कौन देगा, यह बड़ा सवाल निर्माण हो रहा है। अकोला शहर से कुछ ही दूरी पर धनंजय वानखड़े नामक किसान का खेत है। इस खेत में किसान द्वारा चना फसल की बुआई की गई है। दो दिन पहले ही हजारों रुपए खर्च कर किसान द्वारा कीटनाशकों का छिड़काव किया गया था। चना फसल परिपक्व होने की कगार पर पहुंच गई थी, जिसके चलते खरीफ के मौसम में हुए नुकसान की भरपाई इस चना फसल के माध्यम से पूरा होने का सपना किसान देख रहा था। लेकिन किसान के इस सपने पर वान बांध प्रशासन की लापरवाही के कारण पूरी तरह पानी फिर गया। किसान के खेत के समीप ही एक कैनाल है। पिछले 10 वर्षों से इस कैनाल को पानी छोड़ा गया था, लेकिन आज शुक्रवार सुबह अचानक इस कैनाल को वान बांध परियोजना प्रशासन द्वारा पानी छोड़ा गया, जिसके चलते कैनाल का पानी वानखेड़े नामक किसान के खेत में घुसने के कारण पूरे खेत को तालाब का स्वरूप प्राप्त हो गया है। बीते कुछ दिनों से जिले में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है, वही खेत में पानी घुसने के कारण चने की फसल पूरी तरह सड़कर खराब होने का खतरा निर्माण हो गया है। किसान के इस नुकसान की भरपाई कौन कर देगा, यह बड़ा सवाल निर्माण हो रहा है। किसान इस आपदा के लिए पूरी तरह वान बांध प्रशासन की लापरवाही को जिम्मेदार मान रहे हैं। यह देखते हुए शासन द्वारा नुकसान भरपाई देने की मांग किसान द्वारा की जा रही है। हे जे तुम्हाला माझ्या माग जे नुकसान दिसत आहे पाण्याचं, हे पाणी नैसर्गिक आपत्तीने नाही आहे, हे वान प्रकल्पांच्या निष्काळजीपणाने आणि त्यांनी त्यांनी केलेल्या या प्रकारामुळे जे माझं नुकसान झालेलं आहे त्यांना जबाबदार हे आहेत। आणि कालच मी याला 10,000 फवारा मारला, आज माझा हरभरा गाठ्याच्या स्टेजमध्ये आहे साहेब। म्हणजे आता माझं हे पीक एक महिन्यानंतर मला हे काढणीसाठी होतं, आज माझ्या पूर्ण हरभऱ्याचं खराबा या प्रकल्पाने केलेलं आहे। जर हे एवढ्या प्रमाणात पाणी सोडत आहेत तर कमीत कमी यांनी या पाण्याचं व्यवस्थित ते पाणी जात आहे का त्याचं नियोजन करायला पाहिजे। जे आउटलेट सोडत आहेत ते तर त्यांनी त्याचा विचार करायला पाहिजे होता। एवढी मोठी प्रशासन यंत्रणा आहे, आज इकडे अकोल्यामध्ये जवळपास पावसाळा फार कमी झालेला आहे ऑक्टोबर ऑगस्टच्या तेवढ्यामध्ये, तर एवढं लाखो गॅलन पाणी हे खराब करत आहेत, तर कुठेतरी प्रशासनानं याच्यावर कारवाई करण्यात यावी। One Gold Rate, हे आहे मला वाटतं।